हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख रहे हैं द ब्लॉग। तो अच्छा बने रहिए हमारे साथ। आज हम जाने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में, जो कि यहाँ का मोस्ट पॉपुलर कोचिंग संस्थान है। खानसर, अरे खानसर कुछ नहीं है भाई, क्या बोला तूने, उससे ज्यादा। और आप आपको दिखाने वाले हैं कैसे वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ से कितना दूर है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। ये हो गया मेरे बैग और अभी हम निकलने वाले हैं अपने रूम से। तो चलिए चलते हैं। तो जस्ट अभी हम रास्ते में हैं और वहाँ पहुँचने वाले हैं और पहुँचकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ फाइनली कोचिंग में पहुँच चुके हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो इसी बिल्डिंग में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बहुत सारे मेरे बच्चे, सॉरी मेरे बच्चे ने क्या बोला तूने, हर रोज सोचते हैं कि आज हम पहले आ जाएं, लेकिन मेरे पहले सब आ गए। हम कहा पता क्या करता है लड़की, डरता है क्या करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देख सकते हैं बहुत सारे ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमी के स्टूडेंट लोग हैं। आप लोग टारगेट बैच है ना जी, टारगेट बैच है। कैसे पढ़ाते हैं सर, कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। उधर जाने से पहले गाइस रसीद दिखाना होता है जो कि फैमिली है मेरे पास है, इसके कारण मैं एक दिन क्लास नहीं कर पाया था, छूट गया था रूम पे। तो आज लिए हुए हैं साथ में और जाएंगे अंदर और दिखाते हैं आपको। देखिए सब लोग जा रहे हैं अंदर। रसीद भी दिखाना है। ओहो, तो गाइस हम आ चुके हैं और देखिए अभी यहाँ क्लास में पूरा अंधेरा है। ये मेरे लिए आगे सीट है जी, ये है ज्ञान बिंदु जी एस अकेडमी रोशनानंद। गाइस अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी देख सकते हैं बच्चे थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अभी लड़के सब आ चुके हैं और अभी लड़कियाँ नहीं बाकी है, क्योंकि लड़कियाँ इस साइड में बैठती है और यहाँ तीन तीन एसी, बहुत बड़ा बड़ा एसी लगा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करने के लिए हमारे मिस्त्री आ चुके हैं। देख लीजिए हम दिखाते हैं आपको ये कुछ ऐसा। तो बाकी अभी सारे बच्चे बढ़ते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हरे चरनिया में लागा कैसे लोग यहाँ पढ़ते हैं बैठते। दोस्तों देख सकते हैं आप मेरा क्लास, अभी क्लास स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं, बाकी रह गया तो हम सोचे कि ब्लॉग शूट कर ले। देख लीजिए इधर इस साइड में लड़की सारे मेरे दोस्त हैं सब बैठे हुए आगे में। आज हम बैठे सिर्फ ब्लॉग शूट करने के लिए, नहीं तो भाई मेरा तो सीट पीछे ही मिलता है हमेशा। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे बाहर खड़े हो। अपने आप को ताकतवर बनाओ फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है, शक्ति से। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज तो दोस्तों मेरा क्लास छुट्टी हो गया है और आप देख सकते हैं राजा जी अपनी मेरे पीछे सारे लड़कियां इधर है और इधर लड़के हैं। घर की जिम्मेदारी है, बिखरते हुए सपने हैं, टूटा हुआ दिल है, रंग बदलते हुए अपने हैं, रातों को नींद नहीं आती, आगे क्या होगा। ज्यादा समय ना भाई, बहुत भीड़ कर देता है सीढ़ी पे, आपको दिखाएंगे बैक कैमरा से, एकदम बहुत ज्यादा भीड़ कर देता है। हम थोड़ा सा घुमा के आपको दिखा देते हैं। देखिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सिर्फ टारगेट बैच का इतना भीड़ है, आप देख सकते हैं एक बैच छुट्टी हुआ कि नहीं। दूसरे बैच में बहुत सारे लड़के यहाँ पे, लड़के और लड़कियाँ भीड़ लगा के पूरा खड़ी है और भी पूरा लोग जा ही रहे अभी क्लास करने। ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप, अभी और बहुत सारे लड़के आ रहे हैं भाई से, मतलब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा भीड़ होता है इसे यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का। ये ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का था। जितने भी लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी को जानते हैं वो यहाँ पे अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी को जानते हैं, इसमें पढ़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। या फिर कोई पढ़ने वाले हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई भी बेझिझक हो के उनको पढ़ा में, अगर उनको पढ़ना है तो ज्ञान बिंदु से बेस्ट कोई कोचिंग हमको नहीं दिखा। तो यहाँ पे जस्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लगा है। आप भी ये हवाबाजी के चक्कर में नहीं रहिए कि ये वो अच्छा पढ़ाता है, ये क्या करता है क्या नहीं, मैं सब देख लूँ। अगर टाइम पास करना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको रियलिटी में अगर पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के जॉब लेना है ना, तो आप यहाँ का कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।